नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और शनिदेव आपकी राशि में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। और दोस्तों, इस समय में आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़े बड़े सपने आपके अब पूरे होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी दोस्तों आप लोगों को मिल पाएगा कर्मों का फल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को कर्मों का फल तभी मिलेगा, घर घर जा करके दोस्तों आप लोगों को मिठाई बांटने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के जीवन का बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि आपके लिए एक रामबाण उपाय होने वाला है जो आपकी जिंदगी को एक ही झटके में बदल कर रख देगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इन आने वाले अगले 24 घंटे में आपको कौन से लाभ अवसर प्राप्त होने वाले हैं, अथवा कौन कौन सी बड़ी सावधानी आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय आपको किस प्रकार से लेने चाहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके और दोस्तों होने वाली हानि से भी आप बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा और आप अपने जीवन को और भी अधिक बेहतर तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप किए और बिना वीडियो को काटे इसे अंत तक पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों तभी आप ये बात समझ पाएंगे कि आखिरकार इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को जो लाभ होने वाले हैं उनके लिए आपको किस प्रकार से उपाय करने होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत खास वीडियो रहने वाली है, इसलिए आप इसे बिना स्किप करे हुए देखिएगा व कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से पूर्ण भक्ति भाव से लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों बता दें कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बनेगा और आपका शत्रु भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही जीवन में चल रही समस्त परेशानियाँ, समस्त कष्ट और दुख आपके समाप्त होने वाले हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब भी आपके जीवन में संकट आता है और परेशानी आती है, तब तक ईश्वर ने आपका साथ दिया है। याद करके देखिएगा आप कि जब भी आपके सामने कोई समस्या आई है तो ईश्वर ने आपकी मदद की है, किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य की है। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव पूर्ण भक्ति भाव से लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ लिखना ही नहीं है, आपको भक्ति भाव के साथ लिखना चाहिए और आपको ये चाहिए कि ईश्वर के चरणों में आप ये कमेंट अर्पित कर रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा दोस्तों आपके ऊपर अवश्य बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास जानकारी आपको देना चाहेंगे कि ये वीडियो आपके प्रेडिक्शन के ऊपर बनाई गई है, चंद्र राशि के ऊपर बनाई गई है, आप चाहें तो इसे लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के स्वामी का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, उनकी कृपा आप पर पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ इन दिनों में शिव योग, सिद्धि योग, सर्वाग्य सिद्धि योग, उपरोक्त अमृत योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग जैसे शुभ सहयोग बन रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि आप लोगों के लिए समय अत्यंत भाग्यशाली समय रहने वाला है। यूं कहें दोस्तों कि अब आपके रोने के दिन अब खत्म होने वाले हैं, इतना महाभाग्यशाली दिन रहने वाला है इन 24 घंटे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको सावधान रहना होगा। इस बात को तो दोस्तों आप विशेष रूप से ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान में उतार लें कि आपको इस समय अपने गुस्से पर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अपने आवेश पर भी आप नियंत्रण बनाए रखें दोस्तों, अन्यथा आप लोगों के लिए ये चीज़ नुकसानदायक हो सकती है। गुस्से पर आवेश पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दें कि इस समय में जो लोग नौकरी प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति संबंधी विचार करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई परीक्षा दी है उन्होंने, तो उसका परिणाम भी आपके पक्ष में साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ भरपूर सार आप लोगों को मिलने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि धन लाभ के भी कुछ अवसर आपको प्राप्त होंगे, परंतु उन अवसरों को बनाना आपके हाथ में रहने वाला है। प्रॉपर्टी या फिर
मकान, या फिर अगर हम बात करें कि आप अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों समय का आप लोगों को साथ मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। दोस्तों आपको इस बात की जानकारी भी देते, इस बात को आप विशेष रूप से जहन में उतार लीजिए, अपने दिल में समा लीजिए कि आपको इस समय में अपने गुस्से पर खास नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अपने आवेश पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। इसके साथ ही साथ अन्यथा आप लोगों के लिए नुकसानदायक बन सकता है। दोस्तों गुस्से पर आवेश पर नियंत्रण पक्के से बनाकर रखें। इसके साथ ही साथ आप सभी को भी बता दें कि इस समय में जो लोग नौकरी प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति संबंधी आदि कार्य करने के बारे में विचार कर रहे हैं या उसमें कोई परीक्षा उन लोगों ने की है तो उसका परिणाम आप लोगों के मनमर्जी के अनुसार रहने वाला है। दोस्तों आप लोग को भरपूर साथ भी मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दें कि धन लाभ के भी कुछ अवसर प्राप्त होंगे, परंतु उन अवसरों को बनाना आपके हाथ में है। अवसर तो मिलेंगे लेकिन उनका किस प्रकार से आपको उपयोग करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कोई भी मौका आए उसे हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। और इसके साथ ही साथ बेफिजूल के खर्चों से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। संतुलित बजट बना के रखिए, इसकी आपको आवश्यकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चोट संबंधी कोई मामला चल रहा है कोर्ट संबंधी, तो दोस्तों उस मामले से संबंधित कोई शुभ समाचार आपके पक्ष में आ सकता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यदि आप व्यापार करते हैं तो दोस्तों व्यापार संबंधी भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जानना बहुत आवश्यक रहने वाली हैं। जैसे कि व्यापार संबंधी हर दस्तावेजों को आप लोगों को पूर्ण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा दोस्तों कोई कमेटी भी बैठ सकती है, आपको हानि भी हो सकती है। सब चीज़ें इस प्रकार से तैयार रखें कि कोई भी देखे तो समस्त कागजात आपके पूर्ण रहें। इसी के साथ ही साथ किसी भी प्रकार की त्रुटि आपके कार्यों में ना हो, गलत ना करें। कोई भी कार्य करें तो उसे अच्छा करें, बिल्कुल गलत ना करें, नुकसानदायक ना हो। अन्यथा कोई ऐसा काम यदि करते हैं जिससे सबको क्षति पहुँचती है तो आपको भी क्षति पहुँच सकती है। तो दोस्तों जो भी आप कार्य करें अच्छे तरीके से करें। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो दोस्तों सरकारी नौकरी से संबंधित स्थान परिवर्तन लेकर के कोई योजना चल रही है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है इस समय में आप लोगों को, आप लोग का काफ़ी साथ देने वाली है। ग्रह नक्षत्रों की चाल है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ आप सभी को यह भी बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके घर को बर्बाद करना चाह रहे हैं, वे आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं दोस्तों। बस पहचानना आपके ऊपर है। सगे संबंधी भी आपके हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इससे बचने का सबसे सरल उपाय यही है कि अपने करियर के प्रति लगाव रखने की आवश्यकता है। किसी की बातों में ना आए, जो कार्य कर रहे हैं अपने ऊपर विश्वास रखें, परिपक्व तरीके से आप लगे रहें, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति भी आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा। समय समय पर दोस्तों खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो शरीर के लिए कहीं ना कहीं हानि पहुँचाए। सब मंगल ही मंगल होने वाला है। व्यायाम करते रहें, आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें, पति पत्नी के बीच में यदि कोई नोक झोंक बनी हुई है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। प्रेम संबंध भी काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। समय अच्छा है। और दोस्तों परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। संतान की शिक्षा में, कार्य संबंधी में गतिविधियां आपका साथ देंगी। कुल मिलाकर पारिवारिक वातावरण खुश रहने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप संभल कर चलेंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत